Hi guys, welcome to my YouTube channel. So for today's video, I have decided to spill out all my hair care related secrets. So guys, you have requested this one, so I have to do it for you. And guys, मैं जितना भी मतलब अपना हेयर केयर रूटीन की डिटेल्स आपसे शेयर करूंगी या जो भी है उसमें मैं बिल्कुल यू नो ट्रू टू माई वर्ड्स रहूंगी. और ये वीडियो दोनों लैंग्वेजेस में होगी, हिंदी एंड इंग्लिश, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी सारी ऑडियंस को समझ में आए. सो या गाइज, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई वॉन्ट टू से दैट जो भी मैं इसमें रेमेडीज आपसे शेयर करूंगी या मेरे हेयर केयर रूटीन का जो भी पार्ट है, वो मैं ये बिल्कुल क्लेम नहीं कर रही हूँ कि आपको यू नो ओवरनाइट एक मिरेकल हो जाएगा अगर आप इसको यूज़ करोगे. हाँ, इसका कुछ ना कुछ बेनिफिट्स तो सबको होगा क्योंकि नेचुरल रेमेडी है और ये हर किसी पर वर्क करता है. सो गाइज, आई वॉन्ट टू से दैट कि जो भी मैंने यूज़ किया है वो मेरे पे वर्क किया है, बट विद इन अ टाइम स्पेन ऑफ 2 to 3 years. तो मे बी आपको 1 year का ही टाइम लगे, डिपेंड करता है, क्योंकि हेयर्स का जो टेक्स्ट होता है या लेंथ आपकी जो भी है सारा जेनेटिक होता है. दिस इज व्हाट आई थिंक, एंड टोटली आपकी केयर पे भी डिपेंड करता है कि आप इसकी केयर कैसे करते हो. सो या गाइस, अब मैं आपको आगे का पार्ट पूरा शेयर करूंगी, एंड ट्रस्ट मी, मैं जो भी इसमें बोलूंगी वो बिल्कुल यू नो आई विल ट्रू टू माई वर्ड्स एंड से वॉट एवर आई हैव डन एंड वॉट एवर वर्कड ऑन मी. लेट्स टॉक अबाउट माई हेयर केयर जर्नी नाउ. सो फर्स्टली आई वॉन्ट टू टेल दैट माई हेयर केयर जर्नी हैज स्टार्टेड वेन आई वॉज अ स्कूल गोइंग गर्ल. ऑफकोर्स हर एक यू नो लड़की की हेयर केयर की जर्नी ही तब स्टार्ट होती है जब वो अपने यू नो स्कूल डेज में होते हैं, क्योंकि एट दैट टाइम यू नो आर मदर यूज टू केयर आर हेयर्स, यू नो दे यूज टू अप्लाई ऑयल ऑन आर हेयर्स, दे यूज टू टाइटली ब्रेड आर हेयर्स. तो उससे क्या होता है, हेयर्स काफ़ी इंटैक्ट रहते हैं, यू नो ब्रेकेज कम होती है, एंड ऑफ कोर्स हेयर्स बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, क्योंकि एक्चुअल में ये दो चीज़ें तो यू नो हेल्पफुल होती है हमारे हेयर्स के लिए. एंड दिस इज़ द थिंग दैट वर्कड ऑन मी. येस, दीज टू थिंग्स हैज़ वर्कड ऑन मी लाइक यू नो लाइक मैजिक. सो या, एंड वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, आफ्टर स्कूलिंग आई हैव डिसाइडेड टू कट माई हेयर्स, एंड आई वॉन्ट दैट लेयर्ड हेयर कट दैट वॉज इन ट्रेंड एट दैट टाइम. एंड गाइज, मेरी हेयर की लेंथ हो गई थी इतनी, एंड यू नो वॉट, विद इन 2 months आई वॉज सुपर हैप्पी कि वाओ मैंने हेयर कट करवाया, नाउ आई कैन यूज़ यू नो सम क्यूट हेयर बैंड, आई विल मेक दिस हेयर स्टाइल, आई विल यू नो फ्लॉन्ट दिस दैट. एंड गाइज, हुआ क्या, द रियलिटी इज आफ्टर 2 months आई वॉज आफ्टर टू मंथ्स आई गॉट दैट यू नो रियलाइजेशन दैट नो इट्स नॉट गॉन अ वर्थ इट. अब मैंने हेयर्स कटवा ली हैं, बट यू नो होता क्या है, जब हम हेयर्स कट अपने करवा लेते हैं, अगर हम कोई भी हेयर स्टाइल लेते हैं, जैसे कुछ भी हेयर कट लेते हैं, तो हमें होता है वाओ अब मैं इसको ऐसे फ्लॉन्ट करूँगी वैसे फ्लॉन्ट करूँगी, बट रियलिटी इसका ऑपोजिट होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. आई थिंक आप लोग रिलेट कर सकते हैं. तो हुआ ये कि मैंने फिर डिसाइड किया कि मैंने अपने हेयर्स को दोबारा से रीग्रो करना, मुझे फिर से लॉन्ग हेयर्स चाहिए. एंड गाइज, एट दैट टाइम आई वॉज इन कॉलेज फर्स्ट ईयर, एंड उसके बाद ऑफकोर्स यार कॉलेज में हर एक यू नो लड़की होता है I will flaunt my hairs with this outfit, I will you know style my hair like this and that, but मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया. मैंने अपने हेयर्स को ब्रेड में रखना शुरू कर दिया, एंड रेगुलरली आई यूज़ टू ब्रेड माई हेयर्स एंड गो टू कॉलेज, एंड आउटफिट चाहे कुछ भी हो, बस मेरा हेयर स्टाइल एक ही रहता था, एंड दैट इज़ ब्रेड, और वो भी एक यहाँ पे साइड पे ब्रेड करती थी. आई विल इंसर्ट अ पिक्चर ओवर हेयर, आप लोग देखना मैं कैसे रहती थी. सो या, एंड आफ्टर दैट आई हैव डिसाइडेड कि मैं कोई भी केमिकल वर्क अपने हेयर्स पे नहीं लूँगी, क्योंकि मेरे को अपने हेयर्स चाहिए थे पूरे स्ट्रेंथन, लॉन्ग एंड यू नो शाइनी, जो हर एक लड़की का ड्रीम होता है. एंड गाइज, मैंने हेयर कलर लिया भी था आई गेस सेकेंड ईयर. वॉट आई हैव डन इज़ मैंने अपने हेयर्स पे यू नो जब कलर लिया, तो उसमें मैंने ब्लीचिंग का जो प्रोसेस था वो स्किप करवाया. उससे क्या होता है, आपके हेयर्स पे ना ब्लीचिंग का प्रोसेस से ही होता है कि आपका जो कलर है वो अच्छे से अप्लाई हो जाता है, उसका जो टिंट होता है जो भी कलर होता है वो अच्छे से मतलब आ जाता है. तो मैंने वो नहीं लिया, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर दिया था. तो मेरे हेयर्स पे हुआ था आई गेस कॉपर ब्रॉन्ज, तो उससे क्या हुआ, मेरे ब्लैक हेयर्स पे ऑब्वियसली वो इतना यू नो ब्लो अप नहीं होता, इतना ज्यादा नहीं मतलब यू नो कैची था, बट स्टिल मुझे ये था हाँ मैंने हेयर कलर ले लिया, और उससे मेरे हेयर्स भी डैमेज नहीं हुए, क्योंकि मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट जो मतलब एक स्टेप होता है हेयर कलरिंग का, वो स्किप करवा दिया. तो अगर कहते हैं ना कुछ चाहिए तो कुछ यू नो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, सो दैट वॉज द थिंग विद मी. सो या, सो लेट्स टॉक अबाउट सम होम रेमेडीज आई हैव यूज्ड ऑन माई हेयर्स टू यू नो गेट दैट
लॉन्ग स्मूथ शाइनी हेयर्स. तो पहली चीज़ जो मैंने यूज़ करी है दैट इज़ ऑयलिंग. ऑयलिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. सबसे यू नो मेन पार्ट ही आपका ऑयलिंग है. ऑयलिंग से ही आपके हेयर्स में सारे चेंजेस आते हैं. दिस इज़ व्हाट आई. सो फॉर ऑयलिंग आई हैव यूज्ड अनियन, घी एंड आलमंड ऑयल. यू कैन यूज एनी ऑयल. यू कैन यूज कोकोनट ऑयल, टी ट्री ऑयल, दैट डिपेंड्स ऑन यू. आई यूज आलमंड ऑयल ऑन माई हेयर्स. द प्रोसेस दैट आई हैव फॉलोड विल बी ऑन द नेक्स्ट पार्ट. यू नो इसके बाद ही जो पार्ट है उसमें सारा प्रोसेस आपको शो करा है मैंने, कैसे मैं ऑयल अप्लाई करती हूँ, कैसे मैं ऑयल बनाती हूँ. एंड ऑफ कोर्स लगाना भी हेयर्स पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है. और मैं मास्क का जो प्रोसेस है वो भी आपको इसी वीडियो के एंड में दिखाऊंगी. एंड फॉर मास्किंग आई हैव यूज योगर्ट, हनी एंड एग वाइट. सो या गाइज, बहुत ज़्यादा ब्लैबर कर लिया, अब हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द प्रोसेस नाउ. अनियन हेयर ऑयल बनाने के लिए आपको चाहिए घी, आलमंड ऑयल, रॉ अनियन, चॉपर एंड नेट फैब्रिक. स्टेप वन में आपको एक अनियन लेना है एंड उसको सिंपली यू नो स्लाइसेस में चॉप करना है. अनियन ऑयल के कुछ बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं. अनियन हेयर ऑयल में सल्फर होता है जो आपके हेयर्स को ब्रेक होने से भी प्रिवेंट करता है और आपकी स्प्लिट एंड्स और थिनिंग ऑफ हेयर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी क्योर करता है. स्टेप टू में आपको अनियन की स्लाइसेस को चॉपर में ऐड करना है और अपनी चॉपिंग स्टार्ट कर देनी है. इस हेयर ऑयल को अप्लाई करने से आपकी यू नो स्कैल्प को नरिशमेंट प्रोवाइड होती है, जिससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन भी स्टिमुलेट होती है और इससे आपकी हेयर ग्रोथ थिक एंड स्ट्रॉन्ग आती है. स्टेप थ्री में आपको इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है ताकि इसकी एक स्मूथ सी पेस्ट बन जाए. ये हेयर ऑयल आपके हेयर्स को शाइन भी प्रोवाइड करता है, जिससे नेचुरली आपके हेयर्स काफी सिल्की एंड स्मूथ लगते हैं. अनियन हेयर ऑयल में काफी एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो कुछ ऐसे एंजाइम्स प्रोवाइड करते हैं जो आपके हेयर फॉल को काफी ज्यादा प्रिवेंट करता है. स्टेप फोर में आपको नेट का फैब्रिक लेना है एंड जो आपका अनियन का पेस्ट था वो उसमें रख देना है ताकि यू नो आप उसको एज अ स्ट्रेनर यूज कर सकें एंड सारा जो उसका जूस है वो स्क्वीज आउट हो सके. अब फाइनली आप इस अनियन जूस को स्क्वीज आउट कर सकते हैं एंड आप जैसे देख रहे हैं मैं को घी में ही ऐड कर रही हूँ. आप कोई भी इसमें रेगुलर अपना ऑयल ऐड कर सकते हैं. मैं इसमें यूज कर रही हूँ आलमंड ऑयल. इस मिक्सचर की क्वांटिटी आपके हेयर लेंथ पे डिपेंड करेगी और मैं इसमें यू नो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आलमंड ऑयल यूज कर रही हूँ. बस अब आपको इसको थोड़ा सा वार्म करना है 15-30 seconds के लिए. और आप इसको अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं. शैम्पू करंटली आई एम यूजिंग एज इट इज़ अ यू नो ब्लेंड ऑफ आयुर्वेदा. सो आई जस्ट लव टू यू नो यूज नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ऑन माई हेयर. We're still on the opposite side. Maybe we cross the line. Oh, you would make it me cry. And I know you know all the things that made us. My feelings for you don't go. And I know you know all the things that broke us. I see how to lay you cool. Lay my hand and follow me. हेयर मास्क बनाने के लिए आपको सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है, वो है एग वाइट, कर्ड और हनी. सिंपली अब आप कर्ड में अपना एग वाइट और हनी ऐड कर सकते हैं. ये हेयर मास्क काफ़ी बेनिफिशियल है अगर आपके हेयर्स काफ़ी फ्रिजी रहते हैं और आपको हेयर फॉल्स की काफ़ी प्रॉब्लम है, तो आप ये हेयर मास्क डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं. फाइनली अब आप इसको अच्छे से मिक्स करके अपने हेयर्स पर अप्लाई कर सकते हैं.
yeah, finally you all know how I take care of my hairs and what all I do on my hairs to get this much long hairs. And guys, whatever I have used are available in our homes only. You know, everything is a home remedy. कोई भी ingredient आपको अपनी kitchen से मिल जाएगा, ये तो सबके घर में available होता है. And it totally depends upon you how you want to use it. Like अगर आप इसको चाहते हैं week में one time use करना या 2 weeks में one time use करना, वो आपके ऊपर depend करता है. मैं अगर oiling की बात करूँ तो मैं week में one time oiling ज़रूर करती हूँ. एंड मास्किंग मेरा 2 to 3 weeks के स्पैन में रहता है, लाइक 2 to 3 weeks का गैप रहता है, फिर मैं मास्किंग लगाती हूँ, यू नो, मास्क अपने हेयर पे अप्लाई करती हूँ. ओके, फाइनली लेट्स टॉक अबाउट सम हेयर केयर टिप्स दैट आई फॉलो ऑन माई हेयर्स. सो फर्स्टली आई वॉन्ट टू से दैट कोम्ब इज़ द मोस्ट, यू नो, इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर हेयर्स. आपको, यू नो, डेली अपने हेयर्स को कोम तो करना ही है. एंड ऑफकोर्स कोमिंग से आपका, यू नो, ब्लड सर्कुलेशन भी स्टिमुलेट होता है जिससे हेयर ग्रोथ होती है. तो डे में 2 times तो आप कोम कर ही सकते हैं. तो कोम दैट आई यूज इज दिस वन. एंड गाइज, आई नो दिस इज़ द प्लास्टिक कोम. अगर आप कहीं पर भी सर्च करेंगे तो प्लास्टिक कोम तो बिल्कुल भी, यू नो, रिकमेंड नहीं करते हैं हेयर्स पे यूज़ करने के लिए, क्योंकि ये फ्रिक्शन क्रिएट करता है. बट मेरे पे ये वर्क किया है और मैं इसी को यूज़ करती हूँ. मेरे को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू नो, अगर मैं इसको यूज़ करती हूँ तो मेरे को हेयर फॉल होता है, वो तो ऑब्वियसली नेचुरल है, बट इतना नहीं होता कि मतलब मैं इसको यूज़ कर रही हूँ तो मेरा हेयर फॉल हो ही जा रहा है. तो मैं इसी को यूज़ करती हूँ. ये प्लास्टिक कोम है एंड ऑफकोर्स इट इज़ अ वाइट टूथ कोम. आपको भी एक इन्वेस्ट कर लेनी चाहिए. एंड मैंने आई गेस 3 years से इसी कोम से अपना, यू नो, हेयर स्टाइल भी बनाया है. इसी से मैं कोम करती हूँ. एंड आई डोंट यूज़, यू नो, अदर कोम्स विच इज़ लाइक, यू नो, विच इज़ ऑफ स्मॉल टूथ. बट आपको मैं रिकमेंड करूँगी कि आप वुड कोम में ही इन्वेस्ट करो, क्योंकि, यू नो, डिपेंड करता है आपके हेयर्स पे. ये वाला कोम तो, यू नो, सबके लिए रिकमेंडेड है. मैं ये वाला नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे पे ये नहीं वर्क किया है. बट आपको मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इस टाइप का वुड कोम ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें. सो फाइनली अब मैं आपको बताऊँगी कि मैं अपने हेयर्स को टाई अप कैसे करती हूँ. लाइक आई पुट इट इन अ बन, जैसे हर एक गर्ल को पसंद है. बट, यू नो, मेरा थोड़ा सा वे अलग है बन बनाने का, वो मैं अब आपको शो करने वाली हूँ. So wait a minute. So first what I do is, आपको अच्छे से अपने, you know, hairs को पकड़ लेना है ऊपर, जैसे आप पोनी बनाते हैं. And उसके बाद आपको इस finger को as a stopper use करना है, you know, इसी के wrap around होंगे hairs. अच्छे से देख लेना, ये देखो 1, 2, 3 and 4. अब क्या करना है, आपको सिर्फ पिन अप करना है. कोई सी भी पिन लेके इसको, यू नो, सॉफ्टली ऐसे, बस ऐसे लाइटली पिन अप करना है. दैट्स इट एंड वी आर डन. एक्चुअली मेरे हेयर्स इस वक्त हैं, यू नो, रैप अराउंड. मैंने ट्विस्ट नहीं करे हैं. ट्विस्ट करने से हेयर ब्रेक होते हैं, तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है. कभी भी, यू नो, रबर बैंड लेके ऐसे ही रैंडमली मैसी बन मत बनाना. अगर डेली, यू नो, डे टू डे बेसिस पे आप, यू नो, अभी तो सब अपने घर पे ही हैं, तो अच्छे से अपने हेयर्स की केयर करो. और ऑफकोर्स ये अच्छा तो नहीं लग रहा है, बट ऑफकोर्स आपके हेयर्स पे तो वर्क करेगा ना. आपको अपने हेयर्स लॉन्ग एंड हेल्दी चाहिए, सो यू हैव टू डू इट. सो या, ओके, तो फाइनली अब मैं अपना बन दोबारा से ओपन करने लगी हूँ आपके सामने, क्योंकि ऐसे तो अच्छा लग नहीं रहा है. एंड गाइज, आप देखना कितना स्मूथली एंड सॉफ्टली आपके हेयर्स क्विकली ओपन अप हो जाएंगे. सो लेट मी शो यू. एंड वोला, लुक कितना सॉफ्टली एंड, यू नो, ईजिली आपके हेयर्स ओपन अप हो गए. इसका यही मतलब सबसे बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि मैंने हेयर्स को रैप किया है. अगर आप इसको, यू नो, ट्विस्ट फॉर्म में एंड, यू नो, रबड़ लगा लगा के ऐसे करोगे तो ऑब्वियसली ये ब्रेक भी होंगे. एंड ऑफकोर्स वो ना, एक वो कहते हैं ना, हेयर में ना वो आ जाता है, एक वो बैंड वाला फॉर्म बन जाता है, क्योंकि परमानेंटली हेयर वैसे टाइप रहेंगे तो वो एक, यू नो, हेयर पे डैमेज तो आएगा. सो दिस इज़ माय मेथड, यू कैन ट्राई इट आउट. सो या, हेयर आई एम डन विद माई हेयर केयर रूटीन एंड आई हैव शेयर्ड ऑल द डिटेल्स ऑफ माई हेयर केयर दैट आई एम फॉलोइंग राइट नाउ, फ्रॉम, यू नो, फ्रॉम द प्रोडक्ट्स, फ्रॉम द रेमिडीज, फ्रॉम द हेयर केयर एंड थिंग्स आई यूज. एवरीथिंग आई हैव शेयर्ड इन दिस वीडियो. एंड वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू से इज वन क्विक टिप फ्रॉम माई साइड. गाइज, आपको हमेशा ना अपने हेयर्स को एडमायर करना है. दैट यू हैव टू से योर हेयर्स, यू नो, दैट दे आर ब्यूटिफुल, दे आर लॉन्ग, दे आर, यू नो, सिल्की स्मूथ. एंड नेवर एवर कंपेयर योर हेयर्स एंड एनी थिंग ऑफ योर्स टू,
यू नो अदर्स, आपको हमेशा यही कहना है कि हाँ मेरे पास जो भी है वो बेस्ट है. अगर आप अपने हेयर्स को एडमायर करोगे तो डेफिनेटली आपको एक चेंज दिखेगा, आप उसकी केयर अच्छे से करने लगोगे एंड दैट्स इट. सो या दिस इज़ माई क्विक टिप फॉर यू गाइज पर्सनली एंड दैट इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू डिड देन डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़. बाय.